सियासत और इतिहास, ये तीनों शब्द कहने को तो अपने आप में एक व्यवस्था है, लेकिन अगर ये एक साथ मिल जाएं, तो किस तरह की खिचड़ी पकाएंगे इस बात का अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। और अंदाजा तो दूर, बल्कि मौजूदा वक्त में इस तस्वीर को जी रहा है हिंदुस्तान, और इस हैरत अंगेज कॉकटेल का केंद्र बनी हुई है सियासत। तिलक से लेकर टोपी तक, ताजमहल से लेकर पद्मावती तक, और राम मंदिर से लेकर बाबरी मस्जिद तक, हर जगह मची ये उथल पुथल देश की उस स्थिति को सामने लाकर रखने का काम कर रही है, जहां असल मायनों में ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले नजर डालते हैं कुछ उन बिंदुओं पर जो इस खिचड़ी को सामने लाकर रखने का काम कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में पद्मावती फिल्म पर देश भर में हो रहा बवाल चर्चा का विषय, राजपूत संगठनों के विद्रोह के साथ सियासत में भी इसे लेकर हलचल जारी, जातिवाद के साथ हार्दिक सीडीकांड गुजरात की सियासत में उबाल लाया, गुजरात चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का मंदिर प्रेम भी सियासत का केंद्र बना, हाल ही के दिनों में ताजमहल को लेकर उपजे टकराव ने विवाद खड़ा किया, राम मंदिर को लेकर श्री श्री की मध्यस्थता के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड आमने सामने आए, ग्वालियर में नाथुराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित करने पर बवाल कटा। कुछ भी कहा जाए, कैसे भी देखा जाए, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान अभी कुछ उन स्थितियों से जूझ रहा है जिसने जरूरी मसलों से सारे देश का ध्यान भटका दिया है, और धर्म सियासत के साथ इतिहास की खिचड़ी सारे देश में एक उथल पुथल को अंजाम देती नजर आ रही है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार आदाब। तो आपने देखा, हर चीज उसके पीछे मकसद सियासी ही है, सियासी लाभ पहुंचाना, लेकिन विचारधाराओं की लड़ाइयां, अपने अपने अधिकार, अपने अहम का टकराव और ना जाने क्या क्या, यही तो हिंदुस्तान है, विविधताओं से भरा हुआ है, और यही हमारी पहचान भी है। लेकिन ये जब सभी जुदा पहलू एक दूसरे से मिल जाए या एक दूसरे से टकराएं, तो मजबूत भारत जो हमारी पहचान है, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करता है। इन दिनों देखने मिल रहा है कि हमारे देश में जहां पर वो जुदा पहलू स्वार्थवश धर्म सियासत और इतिहास की मिलावट से देश में उथल पुथल मचा रहे हैं, और इससे एक नई बहस ने जन्म लिया है। क्या इन तीनों की खिचड़ी से देश के अन्य जरूरी मुद्दों से ध्यान भटक गया है या ध्यान भटकाने की कोशिश जारी है, और क्या सियासत के कारण अस्तित्व में आ रही यह स्थिति, इन्हीं सवालों को तलाशेंगे हम अपने विशेष सियासी खिचड़ी में। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़े प्रमुख बिंदुओं। देश को किस तरह प्रभावित कर रही है धर्म सियासत और इतिहास की खिचड़ी, क्या इसके कारण उपजी उथल पुथल से प्रभावित हो रहे हैं अन्य जरूरी मुद्दे, देश में सामने आ रहे इस तरह के हालात के पीछे जिम्मेदार कौन, इस हालात से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। ज़रूरत अनेक है, सवाल बहुत तेरे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, आइए एक बार हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज़ वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संतोष मानो, विभांशु जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दीपक सिंह चौहान राजपूत महासभा के महासचिव हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, और साथ ही जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रमेश जी, आज शुरू आपसे ही करते हैं,
इसलिए कि पत्रकारिता के मर्म को भी समझते हैं आप, सियासत को भी समझते हैं, धर्म को भी समझते हैं, और सब कुछ मिला देने की जो होड़ मची हुई है और इतिहास को भी आप समझते हैं, तो ये जो सब कुछ मिला देना है और सबके अपने अपने तर्क हैं, सबका अपना अपना इतिहास होता जा रहा है, सच के करीब है, सच से बहुत दूर है, इस पर अब कोई बहस नहीं है। ये मेरी धारणा है, ये मैंने सोच लिया है, यही सही है। तो अब ये इस अंदाज में देश में कई तरह की बहस जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर इस पर जो बहस हुई है, जो आपने तीनों विषय लिए हैं, धर्म, संस्कृति और इतिहास, कायदे से इन दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए और एक दूसरे की ताकत होनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसके कारण ये टकराव जैसी स्थिति हमको दिख रही है। और फिर जो जैसे धर्म है, धर्म की परिभाषा भारत में बिल्कुल अलग है। ये जो पूजा पद्धति है, आरती उतारना है, इसको धर्म बिल्कुल नहीं कहा गया। जो ड्यूटीज हैं व्यक्ति की, उसको धर्म कहा गया। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर आप एक चैनल के हेड हैं, तो आपका ये धर्म है कि वो चैनल उच्चता के शिखर पर जाए, प्रत्येक व्यक्ति ठीक काम करे। बाय द वे, जो जिसका जो व्यक्ति है, मिश्रा जी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनका धर्म है कि कांग्रेस की बात को ठीक मजबूती के साथ रखें और कांग्रेस मजबूती। धर्म और कर्तव्य दोनों है सर। जी हाँ, तो जो ड्यूटीज है उसको धर्म कहा गया है। जिस तरीके से अग्नि है, उसका स्वभाव है जलाना, ये अग्नि का धर्म है। पानी का स्वभाव है ठंडा करना, ये पानी का धर्म है। तो व्यक्ति की जो ड्यूटीज है वो उसको धर्म कहा गया है। लेकिन संयोग की बात यह है कि भारत में ये पूजा पद्धति ने उसका आकार लिया। संस्कृति भी और इसी तरीके से इतिहास। इतिहास के मामले में जरूर कहूँगा कि ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी से पहले भारत के इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का एक चलन शुरू हुआ। इसका काम कनिंगम ने शुरू किया। कनिंगम के बाद वो सबका आदर्श बन गया, सारे शोध का आदर्श बन गया। वो फिल्मों ने तो जो कचरा किया है भारत के इतिहास को, बहुत अद्भुत किया है। स्वाभाविक रूप से जिस फिल्म को लेकर के समय बहस हुई है, पद्मिनी को लेकर के बहस हुई है, पद्मिनी वाकई एक ऐसा एक आदर्श करेक्टर भारत का रहा है। और हालांकि मैंने फिल्म अभी देखी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है कि उसमें उस करेक्टर को बहुत खराब किस्म का करेक्टर दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके समय वो युद्ध हुआ था चित्तौड़ का, अलाउद्दीन खिलजी भारत के बहुत कम दो या तीन उन शासकों में से एक था जिसने बहुत आतंक तलवार के जोर पर मचाया, जिसने खून की नदियां बहाई, खून से पाट दी हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो उसके बारे में जो खबरें आ रही है, जैसे कि मैंने कहा मैंने फिल्म देखी नहीं, अखबारों में जैसा पढ़ा है, मैं समझता हूँ उस पर जरूर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। जहाँ तक राहुल गांधी जी के मंदिर जाने का प्रश्न है, इसको मैं बहुत सामान्य लेता हूँ, क्योंकि कांग्रेस एक समय में कई वक्त मैंने चैनल पर भी कहा है कि राम को लेकर के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में शुरुआत वो कांग्रेस ने की थी। राम राज की कल्पना गांधी जी की कल्पना थी। अयोध्या में भी अगर मूर्तियां रख ली हैं तो नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। द्वार अगर खुले हैं, ताला खुला हो, तो राहुल गांधी जी के राजीव गांधी राजीव गांधी जी के समय है। लेकिन उस समय थोड़ा सा कांग्रेस इस बीच में भटक गई थी वामपंथियों के कारण। कांग्रेस फिर भारतीय संस्कृति के ट्रैक पर आ रही है, तो उसको तो मैं एक सामान्य घटना के रूप में मानूंगा। लेकिन फिर भी देशवासियों को खुद भी ये चाहिए, फिल्म बनाने वालों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा जनभावनाओं का ध्यान रखें। बिल्कुल दीपक सिंह जी, एक विषय उसमें आपसे भी संबंधित है, एक फिल्म, उसको लेकर इतना विरोध। विरोध सबका अधिकार है, लेकिन अब वो अंदाज वो है कि कोई उसकी गर्दन काट लाएगा तो हम ये देंगे, कोई उसकी नाक काट देगा तो ये करेंगे। ये क्या, ये हमारी संस्कृति है? यही हमारे लोकतंत्र है? ये इस तरह की एक मर्यादा होनी चाहिए? किसी चीज़ का विरोध किस स्तर तक करना चाहिए और विरोध किस बात का है? देखिए, ये बड़ा विवादास्पद विषय हो गया और ये बड़ी विडंबना है। जैसा कि हमारे आदरणीय शर्मा जी ने बोला कि फिल्म मेकरों के लिए, फिल्मकारों के लिए सबसे इजी टारगेट होता है इतिहास। किसी भी ऐसे विवादास्पद मुद्दे को उठा लिया जाए और उस पर एक फिल्म की रचना की जाए, फिल्म बनाई जाए। और खासतौर से ये जो फिल्म पद्मावती की चर्चा आज हम सब कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे देश कर रहा है, इस फिल्म से पहले संजय लीला भंसाली जो इसके निर्माता हैं, वो कई ऐसे विवादास्पद पिक्चरों पर बना चुके हैं, पिक्चरें बना चुके हैं। मैं अगर आपका ध्यान आकर्षित कराऊं, इससे पहले उन्होंने एक रामलीला करके पिक्चर बनाई थी जिसका कि विवाद हुआ, तो उन्होंने फिर उसको गोलियों की रासलीला करके प्रदर्शित किया। फिर एक पिक्चर आई थी बाजीराव मस्तानी, अब ये सामने है हमारे पद्मावती। जब आप ये जानते हैं
कि इतिहास के साथ ऐसी कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो कहीं ना कहीं जन भावनाएं आहत होती हैं। अब आप ये देखें, जब पिक्चर की शूटिंग हो रही थी तब उनको इस बात के लिए चेताया गया था और उस समय उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया था कि पिक्चर रिलीज होने से पहले हम आपके समाज के लोगों को जिनको किसी विषय पर आपत्ति है, जैसे खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का एक स्वप्न का दृश्य दिखाया गया है उस पर आपत्ति है, अब जैसे घूमर नृत्य जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, हमारे क्षत्रिय राजपूतों में कभी भी महिलाएं ऐसे सार्वजनिक नृत्य जिसमें उनका चेहरा दिखता हो कभी नहीं करती हैं, वो खास तौर से राजस्थानी संस्कृति में तो कभी नहीं होता है। आप उसको ऐसा पिक्चराइज कर रहे हैं, उसको कमर्शलाइज कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मकारों की एक रणनीति रहती है कि किसी भी विषय का प्रोपगंडा इतना कर दो। मेरा आपकी जिन जो आपत्तियां हैं उसको कोई खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि नाक काट लो ये देंगे, गर्दन काट लो ये देंगे, ये क्या है? नहीं देखिए, ये तो लोकतंत्र, जैसा आपने बोला लोकतंत्र है, ये तो अपनी प्रतिशोध की भावनाओं का प्रतीक है। इस तरह की चीजों की कहानी नहीं, देखिए ये कहा गया है जी, ये तालिबानी अंदाज है। नहीं, इसको तालिबानी अंदाज नहीं कहें, पूर्व में कई ऐसे और आए हैं जो दूसरे संप्रदाय के लोगों ने सकाए, होता नहीं है। आदमी अपना विरोध दर्ज कराता है, अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है, भाई क्या कारण है कि आप उस विषय को छुपा रहे हो? अभी जो मेरी जानकारी, ताजा जानकारी मिली है कि इस पिक्चर की रिलीजिंग डेट जो 1 दिसंबर है वो किन्हीं कारणों से अब आगे बढ़ रही है, जनवरी में रिलीज होगी। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं उन सभी ने इस बात के लिए मना कर दिया है। वो सेंसर बोर्ड का एक नियम है, कोई भी पिक्चर की रिलीजिंग से 61 दिन पहले वो पिक्चर स्क्रीनिंग कमेटी देखती है। आपने डेट घोषित कर दी 1 दिसंबर की और अभी तक के सेंसर बोर्ड का उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं लुका छुपी का खेल चल रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ उनके पिक्चर में विवादास्पद ऐसे दृश्य हैं जिसको कि वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, चलिए जितिन मिश्रा आप क्या कहेंगे, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? श्री श्री रविशंकर ऐसे समय में चल दिए और उन्होंने बातचीत करना शुरू की, ओवैसी ने उनके खिलाफ ताल ठोक दी और कोई कहता है ये अधिकृत ही नहीं है, कोई कहता है हमने इनसे बात ही नहीं कोई, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। फिर पद्मावती का विरोध तो उत्तर से दक्षिण तक सब जगह चल ही रहा है। ऐसी कई चीजें एक साथ मिल गई, ये है क्या? रिजवान जी, धर्म, सियासत और इतिहास, ये तीन आज के विषय हैं। बिल्कुल खिचड़ी है, बिल्कुल खिचड़ी है जी। धर्म एक अलग विषय है, सियासत अलग विषय है, इतिहास एक अलग विषय है। धर्म को सियासत से जब जब जोड़ा जाएगा, जब जब इस देश में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होंगी, सियासत का बहुत बड़ा खेल होता है ये सब चीज़ें करने में और करवाने में। अभी आप देखिए, श्री श्री रविशंकर जी मध्यस्थता करने गए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज देश ये पूछ रहा है कि आपकी हैसियत बता दीजिए, किस हैसियत से आप गए हैं? केंद्र सरकार ने आपसे कहा कि आप मध्यस्थता करें, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आप मध्यस्थता करें, या निर्मोही अखाड़े ने आपसे कहा, या सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आपसे कहा, तो आज वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा मतलब धर्म में सियासत को जब जब जोड़ा जाएगा क्या है? जितेंद्र जी, अगर मेरा मन करे जी वहां जाकर मध्यस्थता करूं मैं भारत के एक नागरिक के तौर पर, हाँ ठीक है रिजवान जी, आप कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्ज है कि वहां पर जो संबंधित पक्ष हैं, एक उसमें रामलला विराजमान ट्रस्ट है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है और एक साइड निर्मोही अखाड़ा है, तीनों पक्षों से तो आप बात कर नहीं रहे, आप तीसरे चौथे पांचवें पक्षों से बात कर रहे हैं, इसका क्या संदेश है? मेरी समझ में ये नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं श्री श्री रविशंकर को राजनीति के लिए, सियासत के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव सन्निकट है और जब जब हम विकास नहीं कर पाते हैं, जब जब कहीं गाय लाते हैं, कहीं गोबर लाते हैं और कहीं राम मंदिर जैसे मुद्दे फिर उछाल दिए जाते हैं, क्या है राजनीति? धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, राजनीति हमारा सामाजिक विषय है। राजनीति में हम धर्म को जब जब जोड़ेंगे, जब जब देश इस टाइप की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसको मैं आपको बताऊं, आज इतिहास को तोड़ बरोड़ कर फिर पेश किया गया, आपने देखा बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि देश मानने को तैयार नहीं। अभी एक मध्य प्रदेश में नया मामला आया, गोडसे की मूर्ति हुई और सरकार का ये कहना है कि हमें अभी जानकारी नहीं, हम इसकी जानकारी
जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटिस दे दिया है, सरकार ने एक नोटिस दिया है। नहीं, मेरा ये कहना है वहां मंदिर निर्माण हो रहा था, वहां पर मूर्ति आ रही थी, मूर्ति लगने की चर्चा हो रही थी, मूर्ति के लिए पंगु हो, आप शायद ये कह रहे हैं कि खुफिया तंत्र पंगु हो गया। खुफिया तंत्र को भी मालूम होगा तो सरकार पंगु है। अच्छा, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाई चूंकि उसका विरोध हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, बल्कि पूरे देश के अंदर विरोध हुआ। तो मेरा ये कहना है कि स्पष्ट राजनीति की बात करना होगी, धर्म को राजनीति से अलग रखना होगा। आप अगर धर्म को राजनीति में शामिल करेंगे तो ये स्थिति बार बार बनेगी। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जी, कि जब देश में गौतम और गांधी की बात होती है तो आप गांधी और गौतम के द्वेष की बात करते हैं, और जब आप इस टाइप की बात करते हैं तो आप गोडसे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो इतिहास में आप क्या बताना चाहते हैं? आपको शुचिता की राजनीति करना होगी और आपको अपना मत स्पष्ट करके बताना चाहिए। चलिए विभांशु, क्या कहेंगे आप? सवाल तकरीबन सभी आपसे, अगर दीपक सिंह चौहान आंदोलित हैं तो वो सवाल भी आपसे ही है, अगर गोडसे हैं तो वो सवाल भी आपसे ही है, श्री श्री रविशंकर किस हैसियत से गए हैं, सरकार ने तो खारिज ही कर दिया उनको, ये भी सवाल आपसे ही है, और सब जगह गुजरात के ऊपर निगाह जाती है। देखिए रिजवान जी, ये जो, जैसा कि आपने भी कहा, ये जो भारत की जो विविधता है जी, उसमें जो लोकतंत्र है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत खुशबू आती है उससे, बहुत खुशबू आती है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद में भी इस बारे में साफ तौर पर कह चुके हैं। उन्होंने 26 नवंबर 2015 को भारत की संसद में साफ तौर पर कहा कि जो हमारे जो देश का धर्म है वो है हमारे देश का संविधान। उन्होंने कहा इट्स ए रे ऑफ होप, हार्मनी, अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। तो इसलिए ये जो धर्म की व्याख्या वर्तमान में जो है वो संविधान की है। संविधान में हर तरीके की लेकिन योगी जी तो सेक्युलरिज्म पर कुछ और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो संविधान में सबको संरक्षण दिया गया है जी। अब हम बात करते हैं सियासत की, तो सियासत में सबको अपना अपना अधिकार है। जैसा कि आपने भी कांग्रेस के साथी की बात को कहा कि भाई भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति इस तरीके की व्यक्त करने का अधिकार देता है कि वो किसी की निजता से का उल्लंघन नहीं करे। अब एक फिल्म निर्माता, एक आदर्श नायिका, एक आदर्श चरित्र, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चरित्र है, जिस इतिहास को पढ़कर भारत की हर नारी अपने को गौरवान्वित महसूस करती है, अब उस नाम के साथ, उस व्यक्तित्व के साथ, उस आदर्श के साथ यदि गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करता है तो ये उचित नहीं माना जाएगा। उसका विरोध कैसा होना चाहिए वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन किसी भी आदर्श चरित्र को यदि वो नहीं है अभी संसार में, तो भी क्या हम ऐसे किसी के आदर्श चरित्र को, एक विशेषकर एक महिला के चरित्र को, देखिए कानून में भी एक प्रावधान है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, महिला का इस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। और जैसा कि रमेश सर ने बोला कि अभी हम लोग ने फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन यदि ऐसी फिल्म में कोई ऐसा महिला, आपसे सवाल ही यही पूछ रहा हूँ साहब, 1 दिसंबर क्या शानदार टाइमिंग है, ऐसे समय पर क्यों? आपका ही एक स्टेट राजस्थान, वहाँ उसको लेकर इतना हंगामा, पूरा सेट तोड़ डाला गया, सारी चीजें हुई, क्यों तमाशबीन बने रहे आप? क्यों देखिए नहीं बने रिजवान जी जी, अभी प्रकरण ये है कि जो सेंसस बोर्ड है वो एक स्वायत्त संस्था है जी, तो उसके उसके सेंसर बोर्ड के फैसले के बाद ऊपर माननीय न्यायालय में आपको नहीं लग रहा था कि ये जैसे कानून व्यवस्था देश में कई बार कई सवाल खड़े हो चुके हैं कानून व्यवस्था के, और ज़्यादातर आपकी सरकारों में ही हुए हैं, हरियाणा में तो अक्सर कई बातें हो चुकी हैं, आपको नहीं लगता राजस्थान से ये आग लगी थी और राजस्थान में उसको लेकर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रियाएँ भी आई थी, उसके बाद भी आपको नहीं लगा कि एक बार इस पर कोई संवाद? देखिए जो भी राज्य शासन है, जिला कलेक्टर हैं, जहाँ भी उनको लगेगा, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि अभी फिल्म के वो दृश्यों के बारे में स्पष्टता नहीं है, और जहाँ भी राज्य शासन को या जिला कलेक्टर को जहाँ भी व्यवस्था ऐसा लगेगा कि वहाँ की आबो हवा खराब हो रही है, क्योंकि भारत एक गंगा जमुना संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर जैसा कि मैं लगातार अखबारों में पढ़ रहा हूँ, कई खैर भारत तो सभी धर्मों के लिए है, कई मुस्लिम संगठनों ने भी आकर इस बात को कहा है कि ऐसी गंगा जमुना
संस्कृति को भाई हमने जो इतिहास में हमने जो इतिहास को खंगाला जी पद्मिनी को पहले भी हमने बहुत पढ़ने की कोशिश की जी जी अभी भी की इसलिए कि विवाद बहुत खड़ा हुआ था जी जी तो सबसे अधिक वर्णन तो मलिक मोहम्मद जायसी में ही है तो गंगा जमनी तहजीब तो है ही साहब है ना लेकिन इसके पीछे जिस तरह से सियासत हो रही है और ख़ास तौर से जो आक्रोश है और कोई संवाद नहीं कर रहा है कहीं कोई संवाद करता हुआ ही नहीं दिखता कोई कहता है हम कानून व्यवस्था बनाएंगे कोई कहता है कुछ करेंगे कोई बात नहीं कर रहा बात करता कोई मुझे नहीं दिख रहा है इतने दिनों में देखिए न्यायालय में अभी कल ही ये अभी तक ये प्रकरण न्यायालय में था कल ही न्यायालय काफी दिन पहले मना कर चुका है इसको नहीं नहीं अभी ये कल ही और मैं न्यायालय की बात तो नहीं कर रहा मैं तो कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ गलत है क्योंकि न्यायालय में प्रकरण था तो इसलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करी सरकार अब सरकार के न्यायालय में ये प्रकरण गया था लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट बहुत पहले मना कर दिया सेंसर बोर्ड को करना चाहिए लेकिन मामला सेंसर बोर्ड से आगे का है विभांशु मामला कानून व्यवस्था का है मामला किसी की भावनाओं का है मामला इस तरह का है और आपको मालूम था ये बखेड़ा खड़ा होगा ये सब जानते थे आप नहीं जानते थे मैं नहीं जानता था जितेंद्र नहीं जानते थे रमेश जी नहीं जानते थे और डॉक्टर संतोष मानो नहीं जानते थे सब जानते थे लेकिन हमने इंतजार किया कई जगह सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हमने क्यों इंतजार करते हैं हम इस तरह की चीजों का इंतजार क्यों करते हैं हम क्यों नहीं मध्यस्थता करते हम क्यों नहीं बात करते देखिए जहां जहां जब कोई व्यक्ति मध्यस्थता के लिए आगे आता है जैसे श्री श्री रविशंकर जी की जैसे आपने बात करी तो देखिए किस तरीके का आरोप हमारे कांग्रेस के साथी उन पर लगा रहे हैं एक संत को कोई बहका सकता है क्या जी। ये वो आरोप लगा रहे हैं कि वो संत जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है कितना दुर्भाग्य है एक संत को जितनी जिसकी वाणी में ओझ होता है वो एक व्यक्ति ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत वो आगे आया है वो कुछ करना चाहता है तो उसको करने पर भी इनको आपत्ति है तो ऐसे ऐसे सियासत जब ये लोग करेंगे जब ये सियासत की बात आती है आप, जब भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा तो कोई भी जब अच्छा काम करने की कोई व्यक्ति तक करने को उतरता है तब इनको आपत्ति हो जाती है चलिए मैं लौटूंगा इस श्री श्री रविशंकर पर भी एक बार आऊंगा आप लोगों से बातचीत करूंगा क्योंकि दीपक सिंह चौहान जो हमारे साथ थे तो मैंने कहा पहले पद्मावती पर ही चलते हैं इतिहास पर बात कर लेते हैं लेकिन इतिहास आप सुना है विभांशु बेहतर ढंग से नए सिरे से गढ़ने वाले मतलब उसको नए सिरे से उसको लिपिबद्ध कराने वाले नहीं ऐसी बात नहीं है इतिहास जो लिखा है जी। उसमें जो त्रुटियां हैं उनको पहले भी एनसीईआरटी ने काफ़ी त्रुटियों को ठीक किया है यदि जैसा रमेश जी ने कहा साफ तौर पर कि इतिहास में यदि कोई गलतियां हुई हैं तो उनको बिल्कुल तौर उनकी जांच परख करी जाएगी यदि कोई भी कहीं भी किसी भी कोई भी गलत व्याख्या है तो उसको सुधार करना एक अब ये सही और गलत ही तो फैसला करना बहुत मुश्किल होता है साहब आप जोड़ना चाहता हूं रिजवान जी 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 सर मैं लौटूंगा आपके पास कि अभी बोलना है नहीं बस इतिहास पर ही कहना चाह रहा था कि इतिहास का पुनर्लेखन जरूर होना चाहिए अब मैं पद्मिनी जी के बारे में भी बताऊं ज्यादातर उनके सौंदर्य का वर्णन आता है लेकिन अगर आप पद्मिनी को देखेंगे तो वो रण कौशल में बहुत प्रवीण रही थी न केवल रणनीति और रण कौशल जिस तरीके से अगर राजा राणा रतन सिंह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था तो गोरा बादल जो चाचा भतीजे थे उन्होंने एक रणनीति तैयार की और केवल 200 सैनिकों के साथ उन्होंने इसको भी साहब कविता में ही सुना हमने ये जिसकी बात आप कर रहे हैं ये भी हमने कविता में ही सुना तो अच्छा उनको तोड़ करके बाहर निकाला भाई कविता में इसलिए कि इतिहास को खंडित करने इसको भी वही शौर्य की जो कविताएं हैं शौर्य के प्रतीक जो रचना है उसमें उसको भी उसी में सुना लेकिन हाँ वही तो मैं कह रहा हूं वही तो सर ये है ना कि आप कैसे तय कर पाएंगे क्या इतिहास है जो कनिंगम लिख गए हैं वो सही होगा क्या हमारे यहाँ जो लोक संस्कृति में लोक चर्चा में जो इतिहास है वो सही नहीं होगा लोक जनश्रुतियों में तो पता नहीं ना जाने क्या क्या भाई जनश्रुतियां वो है जो सच्चाई के आधार पर चल रही उसमें अगर अतिरोक हो तो आप कम कर दीजिए तो कम से कम सर इसके साथ आप जितना ज्यादा उसको छेड़ेंगे उतनी नई तरह की चीजें निकलेंगी चलिए फिर भी लौटेंगे एक बार फिर आप बात करेंगे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक जी आप मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि क्या जो जोहर हुआ है उसको झुटला देंगे हम लोग जी जो जोहर हुआ है वहां पे चित्तौड़ में या राजस्थान में जोहर हुआ करते थे वो क्या काल्पनिक थे क्या जोहर जी बड़ा सवाल है इतिहास में इसको लेकर नाना प्रकार का विरोधाभास है लेकिन आज इतिहास नहीं आज तो विषय ये है कि आस्था लोगों की क्या है भावना क्या है ये इस पर आधारित चीजें हैं अब आज तो चर्चा भावनाओं पर आधारित मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ जहाँ पद्मिनी जी के जोहर का स्थल है अगर आप खड़े हो जाएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये लिख लें आज भी वहां पर करंट आता है उस जगह पर जी ठीक है डॉक्टर संतोष मान
क्या कहेंगे? सवाल लगता है कि सवाल बहुत रहे देश के संविधान, और आज हमने इस चर्चा को भी खिचड़ी बनाया है। जी, भारत के संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी दी है जी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है हमारा जी। तो अगर किसी समाज को, किसी धर्म विशेष के लोगों को लगता है किसी फिल्म विशेष में कुछ ज्यादती हुई है, तो उनको विरोध करने का पूरा अधिकार है, धरना प्रदर्शन से लेके मौन यात्रा तक कर सकते हैं। मेरी आपत्ति वहां होती है जब कहा जाता है कि नाक काट लूंगा और सुपर नेखा बना दूंगा और गला काट लूंगा और जो सिर लगेगा उसको 5 करोड़ दूंगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अमान्य है, ये गलत है और इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज दे। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि जनश्रुति में जो कुछ चलता है वह इतिहास का ही अंश होता है। अगर राजस्थान के लोग या पूरे देश के लोग पद्मावती जी को महान नायिका मानते हैं तो ये जनश्रुति की बात है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। और फिल्मकारों को यह अधिकार भी नहीं है कि वो उसको तोड़ मरोड़ को दिखाए, जिस तरह फिल्मकारों को यह अधिकार नहीं है कि तोड़ मरोड़ को दिखाए, उसी तरह किसी समाज विशेष के लोगों को यह हक नहीं है कि वह गला काटने की बात करें और सिर लाने पर 5 करोड़ रुपए देने की बात करें। मैं उनका भी विरोध करता हूं, मैं उनका भी विरोध करता हूं जो गलत चित्रण करते हैं, मैं उनका भी विरोध करता हूं जो इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं, मैं उनका भी विरोध करता हूं जो संस्कृति को झुठलाते हैं, लेकिन मैं उनका भी विरोध करता हूं जो हर बात पर तलवार निकालने की बात करते हैं। दोनों गलत लोग हैं। दीपक जी भावनाएं उद्वेलित होती हैं। अरे दीपक जी सुन तो ले मेरी बात, डॉक्टर संतोष मानो ने आपके बीच में नहीं कुछ कहा, लेकिन मैं उनका पूरा नाम भी आपको बता देता हूँ आज। उनका नाम संतोष सिंह है जी, जी, समझिए इसको, वो भी उसी वर्ग को बिलोंग करते हैं जिसको आप करते हैं। तो चलिए, लेकिन किसी को भी लोकतंत्र में यह अधिकार तो नहीं दिया जा। आपके पास कानून के बहुत ढेर सारे मंच हैं, जाइए, आंदोलन के भी मंच हैं, कीजिए, लेकिन हिंसा तो साहब, हिंसा तो अनुचित है किसी भी हालत में। जनभावनाओं से ही उनका जनभावना का मतलब हिंसा आप, नहीं होता। आप किसी विषय को लेके जनभावों को आहत करें और ये कहें कि नहीं साहब आप ये नहीं कर सकते। अगर हमारी भावना आहत है, आपकी भावना आहत होगी तो आप दूसरे को आहत करेंगे, हताहत करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये देश, ये तभी तो सब व्यवस्था है हमारे यहाँ, कोर्ट है हमारे यहाँ। अगर फिल्म में कुछ बहुत ढेर सारे फोरम है हमारे पास, बहुत से फोरम रहेंगे, अपनी बात कहेंगे। भंसाली जी उस पिक्चर को दिखाते क्यों नहीं है जो 4 लोगों को 5 लोगों ने उनको कमिट किया था 8 महीने पहले कि मैं इस पिक्चर को 5-7 लोगों को दिखा दूंगा। तो ये विरोध, हम ये विरोध करिए ना, इसको किसने मना किया? लेकिन आप गर्दन कटवा देंगे किसी की, नाक कटवा देंगे, चलेगा थोड़ी सा? जो आपत्ति तो दृश्य है अनुचित, उनको आप हटा दीजिए जिनसे हमें आ रहा विरोध समाज को। मेरी भावना नहीं समझ, आप समझने की कोशिश कीजिए वो कह क्या रहा है, एक बार सुन लीजिए। भंसाली या अंसाली को अधिकार है कि वो इतिहास और संस्कृति से छेड़छाड़ करे, किसी को मैं यह भी कह रहा हूँ अधिकार नहीं है कि किसी छेड़छाड़ के विरुद्ध वह सर काटने की बात करे। मैं यह कह रहा हूँ, मुझे उतना ही दुख होता है जब कोई गलत फिल्म आए, किसी भी फिल्म में, किसी फिल्म से इसकी बात नहीं, लेकिन मुझे तब भी दुख होता है जब कोई व्यक्ति, कोई मौलाना, कोई संगठन, किसी धर्म विशेष के लोग तलवार और सिर काटने की बात करते हैं। और मैं इसका हर मंच पर विरोध करता हूं, पहले भी करता रहा हूं जब काफिर कह के सर लाने की बात होती है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, किसी व्यवस्था से, किसी फिल्मांकन से आपका विरोध है, आप कोर्ट जाइए, आप वहां तर्क दीजिए, आप इतिहास रखिए वहां और कोर्ट से बैन लगवाइए। हर कोई शेर सिंह राणा हो जाए इस देश में तो अराजकता हो जाएगी, ये कह रहा हूं मैं। बिल्कुल, इनकी तो साहब भंसाली जी की आदत में आ गया है ये। अरे साहब भंसाली की आदत में आ गया तो कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको आदत में आ गया तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। नहीं बात सिर काटेंगे, कानूनी कार्रवाई की विरोध कर, कोई प्रतीक होता है जिसको मन कहते ना धमकी दी, भाई सर कोई काट के लेके आ रहा है या इतना तो अराजकता। अरे नहीं, प्रतीक भी क्यों होगा साहब, प्रतीक भी क्यों होगा छत्री, मतलब दीपक सिंह चौहान जी क्यों होगा प्रतीक? डॉक्टर संतोष मानो, और भी बहुत से मुद्दे हैं, रविशंकर जी हैं, और भी खिचड़ी है ना आज तो साहब। अब देखिए वो जो ग्वालियर का मामला, उसमें मैं कहना चाह रहा था कि वो गोडसे साहब की प्रतिमा लगा रहे, मंत्री बना रहे, विभांशु ने कुछ कहा नहीं उस पर। आपने कहा कि ये तो धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी, अगर आप मुझसे पहली प्रतिक्रिया मांगेंगे तो ये लगता है कि यार गांधी के देश में गोडसे की मूर्ति, बड़ी अजीब स्थिति है। अब भारत देश जो है वो ये पहचाना जाएगा कि एक ऐसा देश है जहां गांधी की हत्यारे का मंदिर भी होता है। मौलिक अधिकार की बात होती है, हमारी मर्जी, हम किसी की प्रतिमा लगाएं अपने घर में लगाएं। उन्होंने हिंदू महासभा के कार्यालय में गोडसे साहब की प्रतिमा लगाई है, हिंदू
हिंदू महासभा का कार्यालय सामाजिक कार्यालय है, राजनीतिक कार्यालय है, किसी का घर नहीं है। चले चले रुक जाइए जितेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। भाई मैं अपने कार्यालय में किसी की प्रतिमा लगाऊं? नहीं, और मैं उसे भगवान घोषित करूं। पहले कहा कि गांधी के देश में गोडसे की प्रतिमा, अजीब स्थिति है। मैं ये भी कह रहा हूँ डॉक्टर संतोष मानो, उसका समर्थक नहीं हूं मैं, उसे भगवान भी घोषित कर दूं, कहूं मैंने मंदिर बना लिया इसको। कोई विशेष अगर उनको भगवान मान ले तो आप क्या करेंगे? तो क्या मंदिर बनाने का यही प्रक्रिया है? मंदिर तो खुशबू की भी बनी है, जो फिल्मी हीरोइन है। मंदिर क्या बिना किसी कानूनी आहर्ताओं को पूरा किए हुए बन सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि वह देश है जहाँ राम की पूजा भी होती है और रावण की भी पूजा होती है जी। तो कोई अगर अपने घर में गोडसे की प्रतिमा लगाए तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे? आप सिर्फ दुख जता सकते हैं कि गांधी के देश में क्या हो रहा है, गोडसे की पूजा हो रही है जी। आप दुख व्यक्त कर सकते हैं, आप उसका कुछ कर नहीं सकते जी। भाई मैं गोडसे की प्रतिमा लगाने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये तो लंबी फिर लंबी श्रृंखला हो जाएगी। आप करेंगे क्या? नहीं, श्रृंखला लंबी नहीं हो जाएगी, गलत है। मैं तो कह रहा हूं कि आदर्श स्थिति नहीं है। फिर वो कोई इंदिरा गांधी के हत्यारे की भी कोई मंदिर बना लेगा, फिर कोई राजीव गांधी के हत्यारे का भी मंदिर बना लेगा। मैं कह रहा हूँ कि आदर्श स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत ढेर सारे, और कश्मीर के तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, उनकी तो दरगाहें बनने लगेंगी जगह जगह। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति तो कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। ये गलत है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन करेंगे क्या आप जी? कानून में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, और मंदिर तो वैसे भी नहीं बनाया जा सकता बिना अनुमति के, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। चलिए, इसके अलावा श्री श्री रविशंकर गए हैं, एक जगह मंदिर नहीं बन सकता और दूसरी जगह लगभग सभी चाहते हैं कि मंदिर बन जाए। ये मंदिर का जो सवाल है, जो जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने आज के अखबारों में देखा है कि 1980 के बाद 9 बार प्रयास हुआ है कि बीच बचाव से, आपसी बातचीत से यह मामला सुलझ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी बातचीत के जरिए से सुलझाया जा सकता है। यह तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, क्योंकि वह बाध्यकारी होगा, सभी लोगों को मानना पड़ेगा। और एक सवाल और है जिसकी ओर शायद आप इशारा कर रहे हैं कि चुनाव के समय ही मंदिर का सवाल क्यों आता है? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव के समय बहुत ढेर सारे सवाल है, कुछ है इसके पीछे, पद्मिनी भी है उसके पीछे जी, उस पर कुछ कहेंगे? उसमें 9 और 12 तारीख को गुजरात में चुनाव है जी, चुनाव के समय राम जी की याद क्यों आ रही है रविशंकर जी को जी? सवाल तो है जी, और सिर्फ इस पर आप शंका व्यक्त कर सकते हैं, कुछ है या नहीं है ये तो रविशंकर जी जाने। सही है, जितेंद्र मिश्रा आप कुछ कह रहे थे। रिजवान जी, मेरा ये कहना है कि ये मामला आज से नहीं है, 67 से, जब ये चुनाव नजदीक आते हैं, जब कहीं ये पहले 67 में गंगा जल लाए थे, जब कहीं चुनाव दिखता है तो गाय ले आते हैं, कहीं उसकी गोबर की बात करने लगते हैं, कहीं राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है। ये पद्मावती वाला जो मामला है, ये भी कहीं ना कहीं इसकी खुशबू दे रहा है। मैं आपको बताऊं, पद्मावती से तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। मैं आपको बताऊं, तो गोडसे पर चलते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं, मैं जरा सा 2 मिनट इसमें बता रहा हूं कि आज सरकार के हाथ में सेंसर बोर्ड है, सरकार को सारी चीजें मालूम है, सरकार को विरोध का स्तर भी मालूम है, सरकार को 2 दिन में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए, सरकार को एक कमेटी बना के ये बता देना चाहिए कि राजपूत समाज जो बोल रहा है, वो शंका जो राजपूत समाज की है, वो हमने देखा है, वो गलत है, और इस पिक्चर को प्रदर्शित करना चाहिए। और या फिर अगर एक संस्था, जब एक सेंसर बोर्ड नाम, जब एक सेंसर बोर्ड है तो सेंसर बोर्ड को अभी तक अपनी सरकार को आगे आने पर आप ही कहते हैं कि लो अभिव्यक्ति की आजादी को रोक रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि गोडसे वाला मामला आया, कल को कोई दाऊद की मूर्ति लगा के उसकी पूजा करेगा तब भी हम और आप चुप रहेंगे क्या? नहीं, सीधी सी बात है, चाहे पद्मावती हो, चाहे राम मंदिर हो, आने वाला चुनाव दिख रहा है। आप ये देखिए, 3 साल तक इन्हें राम मंदिर की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगा, 2 चुनाव सर पे खड़े, 5 चुनाव आने वाले, इनके बाद इनको अपना लोकसभा भी दिखने लगा है। तो जब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति गरमाएगी नहीं, जब तक ये वोटों की बात कैसे पर कुछ कहेंगे? गोडसे पर यही कहना है मेरा कि अगर सरकार जरा सा भी गंभीरता से लेती तो गोडसे की मूर्ति जब्त हो चुकी होती और मूर्ति लगाने वाले जेल के सीकचों के अंदर होते। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ जो आपने बात कही थी वो करने का प्रयास है। आप ये देखिए कि जब जब चुनाव आते, जब जब इन्हें कबीर याद आते, जब जब चुनाव आते, जब जब इन्हें झलकारी बाई की याद आ जाती है, जैसे ही चुनाव चले जाते हैं, न रहीम का पता चलता, न रसखान का पता चलता, न कबीर उत्सव मनता, और न झलकारी बाई की समाज के लोगों की हाल
इनको पता चलता है। तो मेरा ये कहना है कि श्री श्री रविशंकर जी की बात अभी आपने करी, श्री श्री रविशंकर जी एक बढ़िया पैगाम लेके निकले इस देश में। सबसे पहले उनकी उनका विरोध करने वाले, उनके उस संकल्प को धत्ता बताने वाले देवेंद्रनाथ, जो ये कह रहा है कि 1 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक मुसलमानों को दे देंगे, मामला साफ हो जाएगा। ये क्या समस्या को सुलझाने का प्रयास है? मैं पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कह रहा है कि यदि समस्या से इसका हल निकलता तो कब का निकल चुका होता समस्या की चर्चा। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके अपने लोग, जिनके भरोसे पर आप ये समझौता कराने निकले, आम सहमति बनाने के लिए निकले, उनकी नियत भी तो देख लो आप। वो समझौता चाहते, वो समझौता नहीं चाहते। वो इस देश में, आपने देखा, इस देश का प्रमुख जब कहता है कि कब्रिस्तान की बात करता है, कब्रिस्तान उखाड़ने की बात करता है, तो वो क्या इस देश में सामंजस्य स्थापित होने देगा? क्योंकि जब विकास नहीं होता, जब हम धर्म और राजनीति को मेल करके वोटों को कवाड़ने का काम करते हैं, ये पिछली सरकारों में आपने देखा है, ये 2.5-3 साल में आपको इस विकास की बात जब भी करो, जब भी एक नया मुद्दा लेके आ जाते, अभी जब विकास के लिए पूछने लगे लोग तो ये पद्मावती का मुद्दा आ गया, अभी और विकास की बात करेंगे तो राम मंदिर सामने खड़ा हो गया। जब जब आप इनसे विकास की बात करोगे, जब जब ये धर्म और संप्रदाय की राजनीति को आपके सामने परोस देंगे। चलिए, क्या कहेंगे विभांशु? देखिए, ऐसा लग रहा है कि देश में जो भी हो रहा है इनकी बातों से बिल्कुल साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो देश में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। पता नहीं इनकी मानसिकता के मंदिर बनाने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। तो अब ये तो बड़ा अजीब, भारतीय जनता पार्टी ये हर बात को साबित करे कि जो जो चीज हो रही है वो उसने नहीं करी। ये इस तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ सारी तरह सारा इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल दिया। देखिए, देश में कितने अच्छे काम हो रहे हैं उस पर भी नजर डालिए। उज्ज्वला योजना है, महिलाओं को तमाम घर घर बिजली जा रही है, चूल्हा जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। तो ये आप अच्छे काम भी देखिए। बता दीजिए विवांशु जी, जीएसटी पर भी जरा 2 शब्द बोल दीजिए। अभी आप ये जो अभी वाला प्रकरण है, आप लोग मेरे कार्यक्रम को विषयांतर क्यों कर रहे हैं? उस पर भी खिचड़ी, अरे जनाब, खिचड़ी को खिचड़ा मत बनाइए, खिचड़ी तक ही रहने दीजिए। तो चलिए विवांशु, हाँ, सवाल बहुत गंभीर है। जी जी, सवाल वोट से का मंदिर बन जाता है। और ये जो सरकार जो एक नोटिस देकर, देखिए, सरकार एक नोटिस देकर ही जिम्मेदारी पूरी कर सकती है क्या? कैसे बन गया ये मंदिर और क्यों बन गया मंदिर? और अब आपकी आप क्या कोई मंशा स्पष्ट नहीं हो रही आप? नहीं नहीं, इस देखिए, पहले तो इसको किसी तरीके की सियासत से जोड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। ये सियासत नहीं है तो और क्या है? एक संस्थान है, एक वो भी सियासी संस्था है, चुनाव लड़ती रही। एक संस्थान है, मंदिर बनाया है जी। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और भारतीय जनता पार्टी या पूरा देश उनको पिता, राष्ट्रपिता के तौर पर देखता है। उनके सम्मान को किसी तरीके की चोट भारत की धरती पर नहीं होनी चाहिए जी। यहाँ तक ये कहने, मंदिर कहने, की बात सुनने है, सुनने दोनों में इतना अच्छा लगा ये जी, लेकिन साहब धरातल पर तो मंदिर बन गया वहाँ। बिल्कुल, इसीलिए कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उस पर उसके उसके लिए प्रशासन आगे इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का है? एक 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 स्थल को जिसे मंदिर घोषित कर दिया गया, आज मैं रुक जाइए जितेंद्र बनाऊंगा तो मैं दूसरे दिन गिरफ्तार हो जाऊंगा। अरे जितेंद्र जी, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे इनकी बात नहीं करी, इन्होंने तो भगवान लला को, रामलला को कैद में डाल दिया था। ये क्या, कितना लंबा इन्होंने राम लग रहा, फिर आप लोग वहां जा रहे हैं? यदि इन्होंने काले इतना बड़ा, मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, वहाँ जा रहे हैं ये इस तरीके? देखिए, मैं आपसे जो नहीं है ना इस तरीके की बात को, जी जो मेरा सवाल है, पेड़ उगाने वाला काम ये जो बोलते हैं जिस तरीके से, जी जी, अब वो फिर क्या है? आप राम मंदिर पर जाएंगे फिर नई नई बातें निकलेंगी भाई। मैं तो अभी अभी तो मैं कांग्रेस अभी तो मैं गोट्स गोट्स के प्रतिनिधि पर बात कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है जी। अरे आप दीजिए ना तर्क, आप बताइए मुझे कि क्यों बन गया, आपको क्यों नहीं पता चला? देखिए क्यों क्यों पता, जिस दिन उसको फांसी दी गई थी जी, देश के कानून ने दी थी साहब, देश की अदालतों ने दी थी। बिल्कुल, तो आप प्रशासन महिमा मंडित करने का अवसर दे रहे हैं से, बिल्कुल आप उस मामले में आप प्रतीक्षा भी नहीं कर रहे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये माना गया कि उसका कर्म बहुत गंभीर अपराध है उसका, और उसको फांसी दे दी गई, जिसे फांसी दे दी गई उसे उसका मंदिर बनने दे रहे हैं।
और ये कोई आज की बात नहीं, वो तो बहुत साल से कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे, फिर भी आपने चिंता नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा कहना गलत है कि चिंता नहीं करी, प्रशासन बिल्कुल सख्ती से इस मामले में से निपट रहा है। कब कब कार्रवाई चल रही है, आपको जल्दी बातें सामने आ जाएंगी, आपको दिखेगी। और कांग्रेस की तरह नहीं है कि हिला हिलावी हो उसमें हो और चीजों को रोका और अटकाया जाए, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी यहाँ कोई स्थिति नहीं है। यहाँ जो भी होगा वो घटनाचक्र जल्दी आपके सामने आएगा, और इसी चैनल पर हम जल्दी उस बारे में बात करेंगे। कितने दिन तक मान लें, दो दिन चार दिन? देखिए ये प्रशासन की बात के समय सीमा मैं घोषित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानती है। हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है विवांशु जी। देखिए चुनाव इनको लगता है चुनाव आचार संहिता की जानकारी, जितेंद्र जी ऐसा नहीं कह सकते। इनको हिंदू महासभा एक अलग संगठन है, एक अलग महासभा और नहीं, नहीं। जितेंद्र जी उनके उनमें वैचारिक बहुत ढेर सारी समानताएं हो सकती है, चुनाव आचार संहिता होती है, चुनाव एक नहीं है, एक नहीं फंडिंग चुनाव में बाकायदा इनकम टैक्स स्टेटमेंट आते हैं। विभांशु जी, रमेश जी से, रमेश शर्मा जी से मैं समझूंगा, पूछूंगा। कल एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार यहाँ इसी यहीं दोपहर के हमारे कार्यक्रम में ये कह रहे थे कि गांधी को क्यों वध क्यों हुआ, क्यों मारा, ऐसी कई किताबें जो हैं आपके कार्यालय से बिकती हैं। आपके कार्यालय से बिकती हैं तो आप मूर्ति ना लगाएं लेकिन किताब तो बेच ही देते हैं, तो उस पर भी कुछ कहेंगे? विभांशु जी आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं आपकी आवाज थोड़ा बहुत मध्यम हो गई थी इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं तो ऐसे ही नफासत से बोलता हूँ साहब, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं वाकई, इसीलिए आपके चैनल में आने का आनंद ही अलग होता है। मेरा सवाल ये है जी कि कल एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, विषय यही नाथूराम गोडसे ही था, वो ये कह रहे थे कि वो ऐसी किताबें ऐसा साहित्य बिकता है आपके यहाँ से कि गांधी को क्यों मारा नाथूराम गोडसे ने, वो किताब भी बिकती है आपके कार्यालय से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई किताब की बिक्री होती है। उनके पास कोई, उन्होंने दावे के साथ कहा कि मैंने वहीं से खरीदी है जी, तो उनके पास वो रसीद हो उस किताब की और उसका कहीं दस्तावेज हो तो वो इस बात को आगे रखें। चलिए जी जी बिल्कुल, रमेश जी आप कुछ कहेंगे इस पर? मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ सर, भारत में कुछ भी हो रहा है जी, मतलब कई वक्त तो मुझे लगता है कि भारत बहुत अजूबा देश है जी। यहाँ पे अफजल के समर्थन में जुलूस निकल सकता है जी। भारत का एक आदमी कह सकता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं जी। पाकिस्तान अगर भारत के विरुद्ध जीतता है तो वह मिठाइयाँ बढ़ सकती हैं। उस देश में अगर गोंडसे के बारे में लोग कहें कि हम उसकी प्रतिमा लगाएंगे तो ये उसमें कुछ भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक मैंने अपने 46 वर्षों के पत्रकारिता में देखा, भारतीय जनता पार्टी या इसके पूर्व स्वरूप जनसंघ ने हिंदू महासभा के साथ कभी चुनावी पैक्ट नहीं हुआ। सर मैंने रोक दिया सर, उसको छोड़ दीजिए ना सर, मैंने खुद खंडन कर दिया। तीसरी एक बात, भारतीय जनता, जहां तक मुझे अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का कोई बुकसेलर नहीं है। इन्होंने एक दुकान है जो किराए पर दे रखी है, उस दुकान पर एक स्वतंत्र पब्लिकेशन का है, उस पर एक किताब मिलती है गांधी वध और मैं, और ये गांधी वध और मैं वो किताब है जिस पर पाबंदी नहीं है, और इसके बहुत से प्रकाशक दिल्ली में मिलती है। जब भी दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है और ये किताब वहाँ पाई, मैं बात वो नहीं कर रहा, खरीद सकता कोई दुकानदार, कोई धंधेबाज कुछ भी करता रहे व्यापारी, लेकिन एक ऐसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यालय में जो गांधी को, जिसने गांधी को अपना लिया है, उसके यहाँ पाबंदी नहीं है। उस किताब पर सर पाबंदी तो बहुत ढेर सारी चीजों की नहीं है। नहीं, उस किताब पर जब शुरू में पाबंदी, अनिवार्यता तो नहीं है ना सर? क्या चीज अनिवार्यता तो नहीं है कि वहाँ बेचा ही जाएगा? मगर एक बुकसेलर अगर रख रहा है तो उसमें अपन किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं लगा सकते जी। अब इस तरीके से जैसे कांग्रेस कार्यालय में रोशनपुरे पर, एक जमाने में जब कांग्रेस कार्यालय हुआ करता तो वहाँ बहुत सारी दुकानें थी जी। एक कपड़े की दुकान को लेकर के विवाद हुआ और उस पर क्या हम कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे? भाई उसने किराए पर ले रखी है, वो अपने ढंग से दुकान चलाता है, तो उसको तो हमको लगाना नहीं चाहिए। कार्यालय के अंदर कोई दुकान है वो क्या करता है, और कार्यालय ने किराए पर किसी को दिया हुआ वो क्या करता है? सर बिल्कुल बिल्कुल संतोष मानो, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा इस पूरे मामले में जल्दी से। देखिए गोडसे वाले मामले में मुझे लगता है कि कोई मंदिर वहां नहीं है। अरे वो घोषित कर दिया था, इलाका है, मैं रहा हूँ ग्वालियर 3 साल पूरा जी, और मेरे दफ्तर के पास ही था दौलतगंज, वहाँ हिंदू महासभा कार्यालय है जी, और कार्यालय के भीतरी भाग में उन्होंने गोडसे की प्रतिमा लगाई है जी। मेरा साफ कहना है कि गांधी के देश में गोडसे की प्रतिमा नहीं लगना चाहिए जी। अगर प्रतिमा लग गई है तो कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो जी। राम मंदिर वाले मामले में मुझे कुछ न कुछ घाल में लाव पेच लगता है, घाल में लगता है
क्योंकि जब जब चुनाव हो तब तब राम जी आ जाते हैं। संभव है कि राम जी तो सर्वव्यापी है लेकिन याद कराए जाते मुझे हैं। लगता है कि इसमें भी कुछ घालमेल हो, रविशंकर जी को अभी क्यों मध्यस्थता की सूझी और क्यों वो चाह रहे थे कि अन्ना आंदोलन में ही मध्यस्थता की थी और मंदिर बनाने के लिए वो मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, संबंधित पक्ष से तो उनकी बात हुई नहीं। और एक जो आपका पद्मावती का था, विरोध करने का पूरा अधिकार है हिंदुओं को। आप वो कह चुके, आप वो कह चुके हैं, वो पुस्तक बिकने के बारे में रमेश शर्मा जी ने जो कुछ कहा कि वो कार्यालय के अंदर बिकती है लेकिन वो पब्लिशर की अपनी इच्छा है, अंदर नहीं बिकती। देखिए बेहतर तो अदर की बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, वो इन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि बाहर परिसर में दुकानें किराए पर दी गई हैं, जिनके जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वहां पर होता है, कार्यालय के बाहर कौन सी गुमाश्ता एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, उन उसमें से बिकती है, वो कानून सम्मत है, उनको रजिस्ट्रेशन है, वो दुकानें हैं, वो बेच रही है, किसी को भी व्यापार करने के आप हस्तक्षेप, कल को यही कांग्रेस ही खड़े हो जाएंगे कि साहब सामने वाले को व्यापार करने दे, लोगों को भूखा मारने के चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए ये रमेश जी बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। चलिए चलिए बिल्कुल, डॉक्टर संतोष मानव हमारे साथ जुड़े, विभांशु जोशी आप हमारे साथ जुड़े, दीपक सिंह चौहान आप हमारे साथ जुड़े, रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े और जितेंद्र मिश्रा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यही है कि सियासत में खिचड़ी का भी अपना एक अलग दौर चल पड़ा है, इसलिए कि कब किस चीज़ को, किस बात को, कहां से किससे जोड़ दिया जाए, कैसे जोड़ दिया जाए, उसके न जाने कौन कौन से किस्से सुनाए जाए, और फिर जनता जो है उसके सामने एक बड़ा असमंजस खड़ा हो, हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है, सबको शक की निगाह से देखे जाने की परंपरा शुरू हो गई है, और ये परंपराएं किसी लोकतंत्र के लिए अच्छी तो नहीं है। कसौटी पे तो हमें किसी बात को लेना चाहिए, लेकिन हर बात को इसी अंदाज में अगर हम पेश करने लगेंगे तो जाहिर है चिंता बढ़ेगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।